जय श्री कृष्णा राधे राधे। आज हम सुनेंगे महाशिवरात्रि की व्रत कथा। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, माता पार्वती की जय हो। एक समय की बात है, माता पार्वती जी ने भगवान शिव शंकर से पूछा कि हे महादेव जी, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ और सरल व्रत पूजन है जिससे मृत्यु लोक के प्राणी सहज ही आपकी कृपा प्राप्त कर लेते हैं। तब इस प्रश्न के उत्तर में महादेव जी ने माता पार्वती को शिवरात्रि के व्रत के बारे में बताया और शिवरात्रि व्रत की महिमा और विधि बताकर उन्होंने महाशिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनाई। भगवान शंकर कहते हैं, हे देवी, बहुत समय पहले चित्रभान नाम का एक शिकारी था। वह जानवरों की हत्या करके अपने परिवार का पेट पालता था। शिकार करने के अलावा तो उसे और कोई काम आता ही नहीं था। इसी कारण जब भी उसे पैसों की जरूरत पड़ती तो वह साहूकार से कर्जा ले लेता। साहूकार का कर्जा धीरे धीरे बढ़ता गया, लेकिन शिकारी वह कर्जा नहीं चुका पा रहा था। समय पर कर्जा न चुकाने के कारण साहूकार को गुस्सा आ गया और एक दिन गुस्से में साहूकार ने शिकारी को ले जाकर शिव मठ में बंदी बना दिया। संयोग से उस दिन महाशिवरात्रि थी। शिवालय में भगवान शिव के मंत्र, कथा, प्रवचन आदि चल रहे थे, भजन कीर्तन हो रहा था, तो शिकारी वहां पर चुपचाप बैठ गया। थोड़ी देर तक तो वह भागने की योजना सोचता रहा कि यहाँ से कैसे मैं निकल जाऊं, लेकिन धीरे धीरे जब वह नहीं भाग सका तो शिकारी का ध्यान पुजारी जी की तरफ गया जो शिव कथा सुना रहे थे। वहीं पर बैठे बैठे उस शिकारी ने शिव कथा को सुना। मंदिर में भजन कीर्तन हो रहे थे, वह भी सुने और मंत्र जाप भी सुना। मंत्र जाप सुनते सुनते उसका भी ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप हो गया। शाम हुई तो साहूकार वहां पर आया और उसने पूछा, बता तू मेरा धन कब देगा, तो मेरा ऋण कब चुकाएगा। अब तो शिकारी ने हाथ जोड़ लिए और साहूकार से कहने लगा कि तुम मुझे आज छोड़ दो, मैं वचन देता हूँ कि कल तुम्हारा सारा धन लौटा दूंगा। जब उसने वचन दिया तो साहूकार ने उसे छोड़ दिया। वहां से छूटते ही सीधा जंगल की ओर भागा। वो तो रोज की भांति जंगल में शिकार के लिए निकला था, लेकिन दिन भर बंदी रहने के कारण वह भूख प्यास से व्याकुल भी हो रहा था। शिकार खोजता रहा, खोजते खोजते बहुत दूर निकल गया, लेकिन उस दिन उसे कोई भी शिकार नहीं मिला। अब वह पूरी तरह से थक चुका था, अंधेरा भी हो गया था, तो उसने सोचा कि आज तो पूरी रात जंगल में ही रहना पड़ेगा। तो ऐसा सोचकर जंगल में ही तालाब के किनारे एक पेड़ था, उस पर चढ़ गया। वह पेड़ बेल वृक्ष था और उसी पर बैठकर वह रात बीतने का इंतजार करने लगा। उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग भी स्थापित था जो बेल पत्रों से ढका हुआ था और शिकारी को इस बात का कुछ भी पता नहीं था। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां काटी तो वह शिवलिंग पर गिरती चली गई। इस तरह से दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का शिवरात्रि का व्रत हो गया। शिवलिंग पर बेल पत्ते भी चढ़ गए। रात्रि का एक पहर बीता तो एक गर्भवती हिरनी तालाब पर पानी पीने के लिए आई। जैसे ही पानी पीने की आवाज हुई तो शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ा लिया। अभी शिकारी तीर छोड़ने ही वाला था तभी हिरणी ने कहा, अरे रुको शिकारी, तीर मत छोड़ना, मैं गर्भवती हूँ, यदि तुम अभी तीर चलाओगे तो एक साथ दो जीवों की हत्या कर डालोगे जो ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर बहुत ही जल्द तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब तुम मुझे मार देना। जब वह इस तरह से गिड़गिड़ाने लगी तो शिकारी ने अपनी प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरणी जंगल की झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने में और ढीली करने में कुछ बेलपत्र टूटे और शिवलिंग पर जा गिरे और इस तरह से अनजाने में ही प्रथम प्रहर की पूजा भी हो गई। इस तरह से इंतजार करते हुए शिकारी को थोड़ी रात और बीत गई। थोड़ी देर बाद एक हिरनी वहां पर और आ गई और उसे देखकर तो शिकारी बहुत ही खुश हुआ। जैसे ही वह पास आई उसने फिर से धनुष पर बाण चढ़ा लिया। तब उसे बाण चढ़ाते देखकर हिरनी ने बड़ी ही विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, अरे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ और कामातुर हिरनी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर सीधा तुम्हारे पास आ जाऊंगी, अभी तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं तुम्हारे पास जरूर आऊंगी। जब उसने वचन दिया तो शिकारी ने उसे भी जाने दिया। जब वह हिरनी भी चली गई तो दो बार शिकार खोकर शिकारी का माथा ठनका और वह सोचने लगा कि आज क्या बात हो गई जो मैं इस तरह से हाथ में आए शिकार भी जाने दे रहा हूँ। इस तरह रात्रि का आखिरी पहर बीता जा रहा था तो शिकारी ने सोचा कि कोई बात नहीं, अब की बार कोई भी शिकार आए मैं जाने नहीं दूंगा। इस तरह शिकारी के दो प्रहर की पूजा बड़ी ही विधि पूर्वक संपन्न हो गई।
अभी तीसरा प्रहर बीतने ही वाला था कि एक दूसरी हिरनी अपने बच्चों के साथ वहां पर आ गई। शिकारी के लिए तो बहुत ही सुनहरा अवसर था। उसने जल्दी जल्दी धनुष पर बाण चढ़ाया और वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोल कहने लगी, अरे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले कराऊं, फिर लौटकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तुम मुझे इस समय मत मारो, मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं लौटकर जरूर आऊंगी। हिरनी की बातें सुनकर शिकारी हंसने लगा और कहने लगा कि सामने आए शिकार को छोड़ दो, मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। ना जाने क्यों, पर आज पहले ही मैं दो बार अपना शिकार खो चुका हूँ। अब मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। मेरे भी तो बच्चे हैं, वह भी भूख प्यास से व्याकुल हो रहे होंगे। तो शिकारी की बातें सुनकर हिरनी ने कहा, जैसे तुम अपने बच्चों के प्रति ममता रखते हो, वैसे ही ममता मुझे भी सता रही है। शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत ही आ जाऊंगी। मैं वचन देती हूँ, तुम मेरा विश्वास करो। जब वह हिरनी बार बार प्रार्थना करने लगी तो शिकारी को फिर से दया आ गई और उसने उस हिरनी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बैठा बैठा बेल वृक्ष से पत्ते तोड़ता रहा और तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता रहा। पत्ते शिवलिंग पर गिरते रहे। वो फटने को हुई तो एक मोटा ताजा हिरन उसी रास्ते पर आ गया। उसे देखते ही शिकारी ने सोचा, इसका शिकार तो मैं जरूर करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, इसे जीवित नहीं जाने दूंगा। अब जैसे ही शिकारी तीर छोड़ने वाला था तो वह हिरन भी विनती करने लगा और कहने लगा, अरे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पहले आने वाली तीन हिरणियों को और उनके छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में देरी मत करो, तुरंत ही मार दो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख ना सहना पड़े। मैं उन हिरणियों का पति हूँ, उन बच्चों का पिता हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी थोड़ी देर के लिए जीवन दान दे दो, मैं उनसे मिलकर जल्दी ही तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। उस हिरन की बातें सुनकर शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूमने लगा और उसने सारी बात हिरन को बता दी। तब हिरन ने कहा कि मेरी तीनों पत्नियां जिस तरह से वचन देकर गई हैं और तुमने विश्वास मानकर उन्हें छोड़ दिया है, वैसे ही मुझे भी जाने दो, मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने बहुत जल्दी ही आ जाऊंगा, मेरा विश्वास करो। और इस तरह ना चाहते हुए भी शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस तरह से सुबह हो गई। उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से अनजाने में ही शिवरात्रि की सारी पूजा भी हो गई और इस व्रत और पूजा का फल भी शिकारी को तत्काल ही मिल गया। शिकारी का हिंसक हृदय भगवान भोलेनाथ की कृपा से निर्मल हो गया, उसमें भगवत भक्ति का वास हो गया और थोड़ी ही देर में वह देखता है कि वह हिरन सह परिवार शिकारी के सामने उपस्थित हो जाता है ताकि वह उनका शिकार कर सके। परंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता को देखकर शिकारी का हृदय पिघल गया। उसे बड़ी ही शर्मिंदगी हुई कि जंगली जानवर होकर भी ये अपने वचन के कितने सत्य हैं और कैसी प्रेम भावना है इनमें। तो उसने पूरे हिरण परिवार को जीवन दान दे दिया। वह हिरण परिवार बहुत ही खुश हुआ और खुशी खुशी कुलाचे मारता हुआ वहां से चला गया। इस तरह अनजाने में हुए शिवरात्रि के व्रत का फल शिकारी को मिला, जिसके चलते वह एक बहुत अच्छा आदमी बन गया। फिर अपने जीवन के समस्त सुखों को भोगकर अंत में वह शिवलोक को गया। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, माता पार्वती की जय हो। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार दक्ष प्रजापति की कई पुत्रियां थी। उनकी सभी पुत्रियां बहुत गुणवती थी, पर दक्ष जी के मन में संतोष नहीं था। वे चाहते थे कि उनके घर में एक ऐसी पुत्री का जन्म हो जो शक्ति संपन्न हो, सर्व विजयिनी हो। दक्ष एक ऐसी पुत्री के लिए तप करने लगी। तप करते करते बहुत दिन बीत गए तो भगवती आद्या देवी ने प्रकट होकर कहा कि हे दक्ष प्रजापति, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ और मैं स्वयं पुत्री के रूप में तुम्हारे यहाँ जन्म धारण करूंगी। मेरा नाम सती होगा। मैं सती के रूप में जन्म लेकर अपनी लीलाओं का विस्तार करूंगी। उसके बाद भगवती आद्या देवी ने सती रूप में दक्ष के यहाँ जन्म लिया। सती दक्ष की सभी पुत्रियों में अलौकिक थी। उन्होंने बाल्यकाल में ही बहुत से ऐसे काम किए जिन्हें देखकर स्वयं दक्ष प्रजापति को भी आश्चर्य में डूब जाना पड़ता था। जब सती बड़ी हो गई और विवाह योग्य हो गई तो दक्ष उनके लिए वर की खोज करने लगे। उन्होंने ब्रह्मा जी से परामर्श किया। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि सती देवी आद्या का अवतार है। आद्या आदि शक्ति हैं और शिव आदि पुरुष हैं। अतः देवी सती के विवाह के लिए शिव ही योग्य और उचित वर हैं। दक्ष ने ब्रह्मा जी की बातें मानी और सती का विवाह भगवान शिव के साथ हो गया। सती कैलाश में जाकर भगवान शिव के साथ रहने लगी। यद्यपि भगवान शिव दक्ष के जमाता थे,
किंतु एक ऐसी घटना घटी जिसके कारण दक्ष के हृदय में भगवान शिव के प्रति बैर और विरोध पैदा हो गया। एक बार ब्रह्मा जी ने धर्म के निरूपण के लिए एक सभा का आयोजन किया था। सभी बड़े बड़े देवता सभा में एकत्रित थे, भगवान शिव भी बैठे थे। सभा मंडल में जैसे ही दक्ष प्रजापति आए, दक्ष के आने पर सभी देवता उठकर खड़े हो गए, पर भगवान शिव खड़े नहीं हुए, ना ही उन्होंने दक्ष को प्रणाम किया। उसके बाद दक्ष ने अपमान का अनुभव किया। केवल यही नहीं, उनके हृदय में भगवान शिव के प्रति ईर्ष्या की आग जलने लगी। वे उनसे बदला लेने के लिए समय और अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। भगवान शिव को किसी के मान और किसी के अपमान से क्या मतलब, वे तो समदर्शी हैं, उन्हें तो चारों ओर अमृत ही दिखाई देता है। जहां अमृत होता है वहां कड़वाहट और कसैलापन नहीं होता। इस घटना को बीते सालों बीत गए। एक दिन देवी सती और भगवान शिव कैलाश पर बैठे हुए वार्तालाप कर रहे थे। उसी समय आकाश मार्ग से कई विमान कनखल की ओर जाते हुए दिखाई दिए। देवी सती ने उन विमानों को देखा तो भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, ये सभी विमान किसके हैं और कहाँ जा रहे हैं? तब भगवान शंकर ने कहा, आपके पिता ने यज्ञ की रचना की है, देवता और देवांगनाएं इन विमानों में बैठकर उसी यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जा रही हैं। तब देवी सती ने प्रश्न किया कि क्या मेरे पिता ने आपको यज्ञ में नहीं बुलाया है? तब भगवान शंकर ने कहा, तुम्हारे पिता मुझसे बैर रखते हैं, फिर भला वे मुझे क्यों बुलाने लगे? तो देवी सती मन ही मन सोचने लगी और कहने लगी कि यज्ञ के अवसर पर अवश्य ही मेरी बहनें भी आएंगी, उनसे मिले मुझे बहुत दिन हो गए हैं। यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं भी अपने पिता के घर जाना चाहती हूँ, यज्ञ में सम्मिलित भी हो जाऊंगी और अपनी बहनों से भी मिल लूंगी। तो भगवान शिव ने कहा कि इस समय आपका वहां जाना उचित नहीं है, आपके पिता मुझसे जलते हैं, हो सकते हैं वे आपका भी अपमान कर दें, और वैसे भी बिना बुलाए किसी के घर जाना उचित नहीं होता। तब भगवान शंकर ने कहा कि विवाहिता लड़की को बिना बुलाए अपने पिता के घर में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि विवाह हो जाने के बाद लड़की का घर उसके पति का घर होता है, पिता के घर से उसका संबंध टूट जाता है। किंतु देवी सती पीहर जाने के लिए हट करती रही और बार बार अपनी बात दोहराती रही। उनकी इच्छा देखकर भगवान शिव ने उन्हें जाने की अनुमति दे दी और उनके साथ अपना एक गण भी भेज दिया। उस गण का नाम था वीरभद्र। देवी सती वीरभद्र के साथ अपने पिता के घर गई, किंतु उनसे किसी ने भी प्रेम पूर्वक वार्तालाप नहीं किया। दक्ष ने भी उन्हें देखकर कहा, क्यों, क्या यहाँ तुम मेरा अपमान कराने आई हो? अपनी बहनों को देखो, कितने सुंदर सुंदर अलंकार और कितने सुंदर वस्त्रों से सजी हैं, और तुम्हारे शरीर पर मात्र बागंबर है। तुम्हारा पति शमशानवासी है, भूतों का नायक है, वह तुम्हें बागंबर छोड़कर और पहना ही क्या सकता है? जब दक्ष प्रजापति ने ऐसा कहा तो देवी सती को अपने निर्णय पर पछतावा होने लगा और वे सोचने लगी कि मैंने यहाँ आकर ठीक नहीं किया, भगवान शिव ठीक ही कह रहे थे, बिना बुलाए तो पिता के घर भी नहीं जाना चाहिए, पर अब हो क्या सकता था, अब तो मैं आ ही गई हूँ। अपने पिता के कटु और अपमानजनक शब्दों को सुनकर देवी सती मौन रही। वे उस यज्ञ मंडल में गई जहाँ पर सभी देवता और ऋषि मुनि बैठे थे और यज्ञ कुंड में धो धो करती जलती हुई अग्नि में आहुतियां डाली जा रही थी। देवी सती ने यज्ञ मंडप में सभी देवताओं के भाग देखे, परंतु भगवान शिव का भाग नहीं देखा। वे भगवान शिव का भाग न देखकर अपने पिता से कहने लगी, हे पिताजी, यज्ञ में सबके भाग दिखाई पड़ते हैं पर कैलाशपति का भाग नहीं है, आपने उनका भाग क्यों नहीं किया? तब दक्ष ने बड़े गर्व से उत्तर दिया, मैं तुम्हारे पति कैलाश को देवता समझता ही नहीं, वह तो भूतों का स्वामी है, नग्न रहने वाला है, हड्डियों की माला धारण करता है, वह देवताओं की पंक्ति में बैठने योग्य ही नहीं है, तो उसे भला भाग कौन देगा? इतना सुनना था कि देवी सती की नेत्र लाल हो गई, उनकी बोहें कुटिल हो गई, उनका मुखमंडल पड़े के सूर्य की भांति दैदीप्यमान हो गया और उन्होंने पीड़ा से तिल मिलाते हुए कहा, अहो, मैं इन शब्दों को कैसे सुन पा रही हूँ, मुझे धिक्कार है। हे देवताओं, तुम्हें भी धिक्कार है, तुम भी उन कैलाशपति के लिए इन शब्दों को कैसे सुन पा रहे हो जो मंगल के प्रतीक हैं, जो क्षण मात्र में संपूर्ण सृष्टि को नष्ट करने की शक्ति रखते हैं, वे मेरे स्वामी हैं। नारी के लिए पति ही स्वर्ग होता है, जो नारी अपने पति के लिए अपमानजनक शब्दों को सुनती है उसे तो नर्क में जाना पड़ता है। हे पृथ्वी सुनो, हे आकाश सुनो, हे देवताओं तुम भी सुनो, मेरे पिता ने मेरे स्वामी का अपमान किया, अब मैं एक क्षण भी जीवित नहीं रहना चाहती।
देवी सती अपने कथन को समाप्त करती हुई यज्ञ के कुंड में कूद पड़ी। जलती हुई आहुतियों के साथ उनका शरीर भी जलने लगा। अब तो यज्ञ मंडप में खलबली मच गई, हाहाकार मच गया। सभी देवता उठकर खड़े हो गए। वीरभद्र क्रोध से कांप उठे। वे उछल उछल कर यज्ञ का विध्वंस करने लगे। यज्ञ मंडप में भगदड़ मच गई। सभी देवता और ऋषि मुनि भागने लगे। वीरभद्र ने देखते ही देखते दक्ष का मस्तक काटकर फेंक दिया। यह समाचार भगवान शिव के कानों में गया। वे प्रचंड आंधी की भांति कनखल में जा पहुंचे और सती के जले हुए शरीर को देखकर भगवान शिव तो जैसे अपने आप को भूल ही गए थे। सती के प्रेम और उनकी भक्ति ने भगवान शिव के मन को व्याकुल कर दिया, उन शंकर के मन को व्याकुल कर दिया जिन्होंने काम पर भी विजय प्राप्त की थी और जो सारी सृष्टि को नष्ट करने की क्षमता रखते थे। वे सती के प्रेम में खो गए, बेसुध से हो गए। भगवान शिव ने एक उन्मत्त की भांति सती के जले हुए शरीर को अपने कंधे पर रख लिया और सभी दिशाओं में भ्रमण करने लगे। शिव और सती के इस अलौकिक प्रेम को देखकर पृथ्वी रुक गई, हवा ने बहना छोड़ दिया, जल का प्रवाह भी रुक गया और रुक गई देवताओं की सांसें। सारी सृष्टि व्याकुल हो गई और सभी सृष्टि के प्राणी पुकारने लगे, त्राही माम, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। भयानक संकट की उपस्थिति देखकर सृष्टि के पालक भगवान विष्णु आगे आए और वे भगवान शिव की बेसुधी में अपने चक्र से सती के एक एक अंग को काटकर गिराने लगे। धरती पर 51 स्थानों पर देवी सती के अंग कट कट कर गिरे। जब देवी सती के सारे अंग कट कर गिर गए तो भगवान शिव पुनः अपने आप में आ गए। जब वे सुध में आए तो पुनः सृष्टि के सभी कार्य पहले की भांति चढ़ने लगे। धरती पर इन 51 स्थानों में जहाँ पर देवी सती के अंग कटकर गिरे थे वहां पर शक्ति के पीठ स्थान माने जाते हैं। आज भी उन स्थानों में देवी सती का पूजन होता है, उपासना होती है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, माता पार्वती की जय हो, देवी सती की जय हो।